नमस्कार, YouTube चैनल रामगढ़ टेक में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड वासियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आया है, क्योंकि आज 1141 पोस्ट, अलग अलग पोस्ट पे 1141 वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पोस्ट के बारे में। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इसके तहत 1141 पोस्ट निकला हुआ है। और यह जो पोस्ट है, अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे पोस्ट डिटेल के बारे में। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे उसका सैलरी दिया हुआ है और यहां पे टोटल पोस्ट दिया हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के पोस्ट, जैसे देखिए RBS के, ठीक है, ये जो पोजिशन टाइटल है आयुष मेडिकल ऑफिसर RBS के प्रोग्राम NHM, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आपको हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन देखना होगा और उसके हिसाब से जिसमें आप एलिजिबल होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए देखिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, 4 आयुर्वेदा डॉक्टर BAMS या, ठीक है, GAMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से होना चाहिए, ठीक है, विथ कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी इंटर्नशिप, ठीक है। यहाँ पर इसका देख सकते हैं, जनरल के लिए 4 है, ST के लिए 175, AC के लिए 65, ठीक है, और BC1 के लिए 14 और BC2 के लिए 12 है। और यहाँ पे देखिए सैलरी आपका मेंशन किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर अगला पोस्ट देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन और इसके लिए सैलरी आप देख सकते हैं। और ये जो टोटल है, इस टाइप का जो पोस्ट है, इसमें 53 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु प्रकाशन द्वारा मार्केट में लाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका लोगो, और इसके द्वारा जो मार्केट में लाई गई है, अगर आप झारखंड में JPSC, JSSC, JTET, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, झारखंड सचिवालय, इन सभी प्रकार के तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं, इन सभी में झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रश्न ज़्यादा पूछता है। तो आप झारखंड सामान्य ज्ञान इस बुक से याद कर सकते हैं। और देखिए, ये बुक, इसकी खासियत ये है, पहला नंबर तो आप जान लीजिए कि SRR पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बुक की खासियत ये है कि पूरा आपका डीपली इसमें दिया गया है। कोई भी अगर आप एक टॉपिक उठाते हैं, इस टॉपिक का पूरा निचोड़ एकदम पूरा डीपली में दे दिया गया है। और इस बुक की दूसरी खासियत ये है, आप देख सकते हैं, जितने भी योजना है झारखंड में, उन सभी को विस्तार से यहाँ पर इस बुक में दिया गया है। आप देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं, झारखंड का जो लोगो चेंज हुआ है, उसका यहाँ पर विस्तार रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से चेंज हुआ है और इससे क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए, जैसे ही यह चैप्टर ख़त्म होता है, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है, आप सभी के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लास्ट में MCQ भी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। तो अगर आप झारखंड सामान्य ज्ञान याद करना चाहते हैं, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें पोस्ट की, बात वो अकाउंट असिस्टेंट IPH, ये जो है, इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए, देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए, पोस्ट टोटल एक ही है, लेकिन सैलरी क्या है, 19,800। इसी प्रकार से बहुत ही पोस्ट हैं जिसमें देखिए, इसमें 33,000 सैलरी है, इसमें आप देख सकते हैं 80,000 सैलरी है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे पोस्ट हैं, इसको आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं उनको आप ध्यान से देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं एज लिमिट के, ठीक है, तो एज लिमिट के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, एक्सपर्ट आयुष मेडिकल ऑफिसर पोजीशन, इसके लिए जो एज लिमिट चाहिए, जनरल के लिए 35 और EWS के लिए 35 चाहिए, OBC के लिए 37 वर्ष, फीमेल के लिए 38 और ST SC के लिए 40 वर्ष आपका इसमें एज चाहिए। लेकिन नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो एक और आता है मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेडिकल ऑफिसर पंचकर्मा, ठीक है, पोजीशन, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एज लिमिट 45 है और OBC के लिए 47, फीमेल के लिए 48 और ST SC के लिए 50 वर्ष तक दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं इसमें जो अप्लीकेशन प्रोसेस है, अप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा, ये www.saams.co.in पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर आप जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए, 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो गया है अप्लाई होना और मार्च 2022 को ये बंद हो जाएगा अप्लाई होना। इसी प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप PDF फाइल में देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस एंड टेस्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन विल बी थ्री पार्ट, क्वेश्चन जो होगा तीन पार्ट में होगा, किसके किसके लिए, तो टेंथ और टेंथ टेक्निकल के लिए, ट्वेल्थ ट्वेल्थ टेक्निकल के लिए, ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट टेक्निकल के लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा वह तीन पार्ट में होगा। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पार्ट ए में देखिए 20 क्वेश्चन होगा जो लैंग्वेज नॉलेज होगा, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश होगा और यह क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, इसका अंक नहीं जुटेगा। पार्ट बी में है जो रीजनल लैंग्वेज होगा और 20 क्वेश्चन होगा, और पार्ट सी में होगा टेक्निकल या डोमेन स्पेसिफिक से होगा, ठीक है, इसमें 60 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगा पार्ट बी और पार्ट सी से आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। वहीं अगर बात करते हैं ये इसके लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा दो पार्ट में होगा, ठीक है। पार्ट ए में लैंग्वेज रहेगा जो क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है, और पार्ट बी में टेक्निकल रहेगा, ठीक है, जो 70 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और पार्ट ए में 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है पार्ट बी के आधार पर आपका बनेगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एग्जाम में दूसरी बात यह है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत भी करते हैं तो आपका अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है यह, और जितने भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ देखिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर जा करके यहाँ पर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जानकारी ले सकते हैं, और कब एडमिट कार्ड आएगा वहाँ पर वेबसाइट पे आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने अनुसार से अप्लाई कर सकते हैं।